हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज मैं दिखाऊंगी आपको कि मैं अपने घर में लड्डू गोपाल को घुमाने के लिए, अच्छे से बैठाने के लिए कैसे मैं उनका बिस्तर लगाती हूँ, कैसे मैं रोटे यानी कि सजाती हूँ। तो आज मैं बने रहिए मेरे वीडियो में, मैं दिखाऊंगी कि मैं अपने लड्डू गोपाल को कैसे दिन में रखती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक टेबल लिया था, यहाँ पे देखिए चादर बिछा लिया है। ये छोटी सी टेबल है, मेरे यहाँ एक कमरा है तो जगह ज़्यादा नहीं बचती है, तो उसी में मैं ये टेबल रखी हूँ। और यहाँ पे ये एक छोटी सी टेबल है, छोटी सी है, बैठका है, लड्डू गोपाल का बनवाया था तो वो है। और यहाँ पे मैं लाल इसको डाल दूँगी इस तरीके से, आप देख रहे हैं कि कैसे मैं डाल रही हूँ। और यहाँ पे ये झूला है जो मैं जन्माष्टमी में लड्डू गोपाल के लिए लाई थी, तो इसको यहाँ पे रख दूंगी जैसे। और ये पखने हैं, मोर पंख हैं, जन्माष्टमी में ये भी लेकर आई थी मैं, तो इनको भी यहाँ पे ऐसे रख दूंगी। तो ये मैं लेके आई थी, छोटी छोटी सी हैं मटकियाँ जो लाई थी मैं जन्माष्टमी में, सजाने के काम आती हैं, देख आप लोग तो समझ सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ बनाऊंगी। एक यहाँ पे मैंने ये पौधा लिया हुआ है, इसको भी मैं यहाँ पे ऐसे रख दूंगी। दूसरा मैंने एक और पौधा लिया है, ये प्लास्टिक पौधा है जो घर में 100 पीस के लिए रखे जाते हैं। और यहाँ पे प्लेट ली हूँ, और यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग ये ली हूँ, इसमें जल भरा हुआ है, पानी है। तो ये मैं मटके का पानी रखती हूँ, जो मेरे कान्हा जी प्यासे होते हैं तो मैं इसी मटके का पानी पिलाती हूँ उनके। और ये मैंने एक छोटी सी गिलास ली है जो इसी पे रख दूंगी ऐसे। एक मैं फिर ऐसा लाल कपड़ा लूंगी और इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पे बिछाऊंगी। तो आपको दिखाऊंगी, यहाँ पर भी मैंने ये लिया है, ये लक्की प्लांट है जिसे कहते हैं, लक्की पौधा, बहुत अच्छा होता है, घरों में रखा जाता है, बोलते हैं बहुत अच्छा होता है। तो इसको यहाँ पे रख दूंगी ऐसे। और एक ये है पौधा, ये मैंने पौधे मार्केट से मंगवाए थे रखने के लिए, तो रखने की जगह नहीं है मेरे घर पे, तो मैंने क्या किया था, इसको यहीं पे लड्डू गोपाल के पास रख देती हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं दिखाऊंगी आपको। और यहाँ पे है मेरे कान्हा जी की अच्छी सी कामधेनु गौ माता, देख सकते हैं आप, तो इनको यहाँ पे मैं इनको बैठा दूंगी। तो यहाँ पे ये बैठ गई हैं आराम से। और यहाँ पे मैं ये बिछाऊंगी, तो यहाँ पे एक छोटा सा टेडी है जो मैं अपने कान्हा जी के लिए लाई थी, तो यहाँ पे रख दूंगी। और ये दो तकिए हैं जो मैं ऐसे रखूंगी। तो आपने देखा किस तरीके से मैंने लगाया है। और यहाँ पे आ गए हैं मेरे छोटे से लल्ला, बोलो लल्ला, राधे राधे, तो बोलिए दोस्तों राधे राधे। ये हमारे छोटे से कन्हैया हैं, इन्हीं को बैठा लूँगी यहाँ पे। ऐसे मैं कुछ इस तरीके से, देखिए मैं कुछ इस तरीके से बनाई हूँ। और ऐसे मैं गमले रख देती हूँ इधर उधर, उधर मैं झूला रख देती हूँ अपने जो कान्हा जी का है। और एक तरफ मैंने छोटी सी मटकी है जिसमें पानी रखा हुआ है, और गौ माता है। बीच में
मैं जो डाली हूँ इसमें थाल रखती हूँ, जैसे लड्डू गोपाल को खाना खिलाना है, कहीं कुछ कराना, तो इस तरीके से मैं डेकोरेशन करती हूँ। और ये हमारे प्यारे से कान्हा की मच्छरदानी है छोटी सी, जो मैंने घड़ी पे बनाई हुई थी, अच्छी सी बनाई हुई हूँ, घड़ी पे बनाई थी मैंने ये मच्छरदानी जो रखी हुई है। तो गाइस बताइएगा ज़रूर कि मेरा वीडियो कैसा लगा आपको, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। देखिए अपने घर में एक कमरा हो और जगह ना हो तो कैसे लड्डू गोपाल को लेटा, हमेशा तो वो मंदिर में बैठे नहीं रहेंगे। तो मैं क्या करती हूँ कि 12 बजे लड्डू गोपाल को अपने लिटा देती हूँ और 4:30 बजे उठाकर बैठा देती हूँ। रात में जिस कमरे में हम लोग लेटते हैं उसी में अपने लड्डू गोपाल को भी लिटाती हूँ, उनका बिस्तर अलग लगाती हूँ, वहीं लिटाती हूँ। क्योंकि देखिए अलग दूसरे कम अलग नहीं लिटाती हूँ कि मैं परूँ बाहर और वो परें अंदर, पंखा एक में चले एक में ना चले, तो मैं जहाँ पर रहती हूँ वहीं अपने कान्हा जी को भी रखती हूँ। और रखना भी चाहिए घर में, जो बनाओ रूखा सूखा वो उनको भी खिलाओ, आप भी खाओ, इस तरीके से अपने लड्डू गोपाल की सेवा की जाती है। तो आप लोगों को दिखाया मैंने अच्छे से, देखो एक बार और मैं दिखाई देती हूँ आपको। तो यहाँ पर देखिए एक मैंने ये पौधे रखे थे ये, और इधर ये मोर पंख है, यहाँ पे झूला रखा हुआ है, यहाँ पे रखा हुआ, और ये देखिए हमारे छोटे से लल्ला बैठे हुए हैं। ज़्यादा मैं गर्मियों में मेकअप नहीं करती हूँ, सादा सैंपल मेकअप रखती हूँ। तो देखिएगा मेरे लड्डू गोपाल कैसे लग रहे हैं, और कुछ इस तरीके से मैंने दिखाया है आप लोगों, कुछ इस तरीके से मैंने डेकोरेट किया है। तो गाइस मेरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, सपोर्ट करिए हमको भी, अच्छा से अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ। तो जय श्री राम दोस्तों, राधे राधे, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राधे, जय श्री राधे।